अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अब जैसे टॉपिक जो चैप्टर है हमारा सेकेंड फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें लाजमन है कि हमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पढ़ने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया, प्रोटॉन्स भी डिटेल में हो गया। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इससे पहले अगर आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, उसका नाम भी रखा प्रोटॉन, और न्यूक्लियस को भी इसने डिस्कवर किया था। तो अब जो है यहाँ पे रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट भी किया था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो मास ऑफ द एटम इज टोटली कंसंट्रेटेड ऑन इट्स न्यूक्लियस, मींस अब प्रोटॉन तो मिल गया, अब उसने कहा कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसके मास को ऐड करेंगे तब जाके हमें पूरा एटम का मास मिल जाएगा, तो वो था न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड प्रिडिक्टेड इन 1920 that some kind of neutral particle having the mass equal to proton must be present in the atom. तो देखो जो गेसिंग पावर या जो नॉलेज थी रदरफोर्ड की बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार थी, ठीक है ना बाबा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की फील्ड में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। सबसे पहले इसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, उसका नाम रखा, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, सॉरी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और बाकी न्यूट्रॉन्स को भी इसने प्रिडिक्ट किया था ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जेम्स चैडविक, डिस्कवर न्यूट्रॉन इन 1932। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जैसे थॉमसन ने, प्रोटॉन्स को पहले गोल्डस्टीन, बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और अपना जो थर्ड है फंडामेंटल पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया 1932। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्कवर किया था बाय विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और प्रोटॉन्स को सॉरी केनाल रेस को या पॉजिटिव रेस को गोल्डस्टीन ने भी विलियम क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कवर किया था। बाकी तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जब उसने बम्बारमेंट कराई थी अल्फा रेस की नाइट्रोजन गैस के ऊपर, क्लियर। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, इसने भी वही अल्फा रेस यूज़ किए थे, मगर इसने बम्बारमेंट नाइट्रोजन के ऊपर नहीं, बेरिलियम के ऊपर कराई थी बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो ड्यूरिंग द बम्बारमेंट ऑफ अल्फा रेस ऑन अ बेरिलियम एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बन एटम एंड हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सवाल ये है कि सर जेम्स चैडविक ने कौन से रेडियो एक्टिव रेस यूज किए थे? आप कहोगे सर अल्फा रेस। अल्फा रेस इसने बम्बारमेंट किस जो है ना वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर लगाया जिसे हम बेरिलियम कहते हैं। तो देखो बेरिलियम के ऊपर जब इसने अल्फा रेस लगाया तो स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन हमें मिल गया, ठीक है बाबा। उसके साथ एक नया फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं वो डिस्कवर हो गया। फास्ट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डन बाय द जेम्स चैडविक बाय डूइंग द बम्बारमेंट ऑफ अल्फा रेस ऑन अ बेरिलियम, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा, जैसे पोलोनियम हो गया, एस्टेटिन हो गया, रेडान हो गया, फ्रांशियम हो गया, रेडियम हो गया, के अलावा प्रोटेक्टिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम, ये सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं। बाकी वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम हो जैसे बेरिलियम है, तो ये इसके ऊपर हम खुद करवा रहे हैं रेडियोएक्टिविटी, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। अच्छा सर, न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियर चेंज हो जाए, न्यूट्रॉन में अगर न्यूट्रॉन चेंज हो जाए न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन जब चेंज होता है तो किस में चेंज होता है? ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा समझ लें। एन बी पॉइंट है ये भी, ये वाली कि जब न्यूट्रॉन चेंज होता है मेरे बच्चों तो किस में हो जाता है? आप कहोगे सर प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और इसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। अगर चार्ज को आप चेक करें तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड 1, तो यहाँ पे क्या है 1 + 0 + 0, इट इज इक्वल 1, माना जो मास है ना बैलेंस हो गया। अच्छा अगर चार्ज देखो, न्यूट्रॉन के चार्ज क्या है 0, प्रोटॉन के चार्ज वैल्यू +1, इलेक्ट्रॉन का -1, +1 - 1 इज इक्वल 0, और न्यूट्रिनो के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होती 0। ओवरऑल दिस इज अ बैलेंस, माना न्यूट्रॉन इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में। कहाँ पर? ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर चेंज, क्लियर बाबा। अच्छा ये थी डिस्कवरी किसकी? न्यूट्रॉन की। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डिटेल। तो देखो बच्चों यहाँ पे लाइक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एटॉमिक मास। हमें बताया कि एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये पॉइंट ज़्यादातर बच्चों को आती होगी। अच्छा जैसे ये पार्टिकल्स हैं सपोज न्यूट्रॉन, ये मूव कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमने रखा पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे नीचे हमने रखा नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल सीधे चले गए, इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो याद करो वो पार्टिकल जिसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो सीधा चला जाए, अगर पॉजिटिव होता तो नीचे आता, अगर नेगेटिव होता तो ऊपर चला जाता पॉजिटिव की तरफ, ये न्यूट्रॉन्स सीधे चले गए। हमें पता चला कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन देयर विल बी नो चार्ज। तो नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द न्यूट्रॉन सो इट कैरीज नो चार्ज। अच्छा, न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नेचर एंड द मास। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो उससे जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड हाई पेनिट्रेशन पावर, बहुत ही जबरदस्त हाई एनर्जेटिक। अच्छा, न्यूट्रॉन के भी टाइप्स होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स, इनको हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसे न्यूक्लियर फिशन या एटम बम का रिएक्शन होता है वहां पर। तो न्यूट्रॉन्स आर हाईली एनर्जेटिक एज कम्पेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाँ, अब देखो आप कोई भी एटम उठाओ पीरियोडिक टेबल में, जितने भी सारे एलिमेंट्स, ऑल एटम्स शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन, ऑल द एटम्स शुड कंटेन प्रोटॉन, जबकि एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जो उसका आइसोटोपिक प्रोटियम, उसमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स पूरे नहीं है, माना समझो उनमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है मगर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो वाहिद प्रोटियम ऐसा एटम है जिसके पास तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स पूरे नहीं है। तो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक न्यूक्लाई एक्सेप्ट हाइड्रोजन या प्रोटियम, ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, भले आप इसको कंसीडर कर लें, नोट डाउन कर लें। तो न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कोई बीच में एयर आ जाए तो उसको आयोनाइज कर लेते हैं, तो न्यूट्रॉन्स आयोनाइज नहीं करते, ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। फास्ट न्यूट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि स्लो न्यूट्रॉन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काम के जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन से स्लो इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर, इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो स्लो न्यूट्रॉन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, आर यूली मोर इफेक्टिव इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटे न्यूक्लियस में और एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मेरे बच्चों न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का होता है एटम बम, यूरेनियम या प्लूटोनियम 239 से ये बनता है। अ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज बिकॉज द क्वार्क्स। अच्छा सर, किस वजह से न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था प्रोटॉन तीन क्वार्क्स के बने होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी तीन क्वार्क्स से बने होते हैं, तो इन क्वार्क्स की कुछ सेटिंग ऐसे होती है कि वो अपनी चार्जेस को कैंसिल कर लेते हैं, किसमें, न्यूट्रॉन में, इसीलिए न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो अ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज बिकॉज द क्वार्क्स दैट मेक अप अ न्यूट्रॉन कैंसिल ईच अदर चार्ज मेकिंग इट अ न्यूट्रल। क्योंकि प्रोटॉन में आपको पता है दो अपवर्ड क्वार्क्स होते हैं, एक डाउनवर्ड होता है, जबकि न्यूट्रॉन में दो डाउनवर्ड और एक अपवर्ड होता है। कुछ अरेंजमेंट ऐसी होती है क्वार्क्स की कि उनके चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ओवरऑल नेट चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन इज जीरो। When electrostatic force between the protons overcome the nuclear force, then a nucleus become unstable and nuclear reactions is occurred. अच्छा, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, प्रोटॉन्स में मैंने आपको बताया था attractive forces होते हैं gluons, जो इनको attract करके रखते हैं अपने पास, जबकि nucleus में कौन से होते हैं, nuclear forces होती हैं। तो जब proton के forces क्या हो जाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएं as compared to nuclear forces, तो nucleus unstable हो जाता है, और unstable वो nucleus है जो radioactivity show करता है, जिसमें ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है, मीन्स एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप में चेंज हो सकता है। तो न्यूक्लियर चेंज कहाँ से आती है, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। और एक बात याद करो, अनस्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस में अगर आप देखो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कहते हैं। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस या रेडियो आइसोटोप हो जाएगा वो आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का। जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप में दो न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो ट्रिटियम इज अ रेडियो आइसोटोप, कार्बन 14 8 न्यूट्रॉन से और 6 प्रोटॉन से, तो आखिरी आइसोटोप मोस्टली हर एलिमेंट का क्या होगा, ज़्यादातर रेडियो आइसोटोप होगा। जैसे हाइड्रोजन का ट्रिटियम रेडियो आइसोटोप है, कार्बन 14 वो भी रेडियो आइसोटोप है। आ जाते हैं चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, वो तो जीरो है क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। जब चार्ज जीरो है तो मास को डिवाइड करेंगे चार्ज से, तो जवाब जीरो आ जाएगा। तो इफ देयर इज नो चार्ज देयर विल बी नो ईएम रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी हमने पढ़ लिया, प्रोटॉन का पढ़ लिया, तो ईएम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसका चार्ज वैल्यू जीरो है। आ जाओ यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कुछ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अगर हम कहें ना तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे हेवी पार्टिकल यहाँ पे कौन सा हुआ? न्यूट्रॉन इज लिटिल हेवियर एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन बहुत ज्यादा हेवी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चों 1.674 × 10⁻²⁷ किलोग्राम मास है किसका? न्यूट्रॉन का। या 1.674 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये भी मास है किसका? न्यूट्रॉन का। 1.0086, वहां पे 7.3 था प्रोटॉन के लिए, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों 8.6। तो हेवियर पार्टिकल मोर एनर्जेटिक मोर पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? न्यूट्रॉन का एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चों ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अगर कोई भी न्यूट्रॉन से रिलेटेड बना अगर रिलेशनशिप बना है प्रोटॉन का विद इलेक्ट्रॉन, इंशाल्लाह वो भी आप एमसीक्यू कर लेंगे। अगर इसी प्रोटॉन को का कोई रिलेशनशिप बना दे विद द न्यूट्रॉन, तो इंशाल्लाह बच्चों से हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि अच्छे तरीके से मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्पेशली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप विद फुल प्रिपरेशन बैठें इस एंटी टेस्ट में इंशाल्लाह। फिर बच्चों अगर बात समझ में आ रही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज वीएन को, और जो दो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप बताएं, सजेस्ट करें, अच्छा काम है, ताकि और बच्चों को अभी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।